6000 साल पहले पांडवों ने भगवान भैरव की पत्थर की मूर्ति स्थापित कराई थी। और जब पांडव इंद्रप्रस्थ में एक विशेष अग्नि अनुष्ठान कर रहे थे तो क्षेत्र में मौजूद बुरी आत्माएं उनके अनुष्ठान में बाधा डाल रही थीं। तब भगवान कृष्ण ने राजकुमार भीम को वाराणसी भेजने के लिए कहा और भगवान शिव के उग्र रूप भगवान भैरव की प्रार्थना की। भैरव सभी बुरी आत्माओं के स्वामी हैं और भैरव पत्थर की मूर्ति के रूप में भीम के साथ चलने को तैयार हो गए और भीम किसी कारणवश उस मूर्ति को अपने साथ सटीक गंतव्य तक नहीं ले जा सके। भगवान भैरव ने पांडवों को आशीर्वाद दिया कि वह एक चिड़चिड़े बच्चे की तरह पांडवों की रक्षा करेंगे और इस कारण भैरव इस मंदिर में बच्चों की तरह किलकारी मारने के कारण भगवान भैरव का नाम किलकारी भैरव पड़ा। कालीमठ मंदिर से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक दिव्य अलौकिक शिला है जिसे काली शिला के नाम से जाना जाता है। इस शिला में आज भी देवी काली के पैरों के निशान विद्यमान हैं। काली शिला के बारे में पौराणिक मान्यता है कि माँ काली ने शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज का वध करने के लिए काली शिला में 12 साल की कन्या का रूप लिया था। काली शिला में देवी के 64 यंत्र है। माँ दुर्गा को इन 64 यंत्रों से ही शक्ति मिली थी। कहा जाता है कि आज भी इस जगह पर 64 योगिनियां विचरण करती हैं। इसे भगवती का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली मंदिरों में से एक माना जाता है। हिमाचल की गोद में महादेव का एक चमत्कारिक मंदिर है जहां महादेव साक्षात ठहरे थे। यहां इस मंदिर में पत्थरों को छूने या थपथपाने से डमरू की आवाज निकलती है। तो चलिए जानते हैं आज इस अद्भुत मंदिर का रहस्य। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भगवान शिव का मंदिर स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर में मौजूद पत्थरों को थपथपाने से भगवान शिव के डमरू की आवाज आती है। एक बार भगवान शिव अपनी यात्रा के दौरान इस स्थान पर रुके थे और यहीं पर उन्होंने विश्राम किया था। कहा जाता है कि कई साल पहले सोलन लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा था। पानी की भीषण कमी को देखते हुए स्वामी कृष्णानंद परमहंस ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव के त्रिशूल से जमीन पर प्रहार किया और जमीन से पानी निकाला। और तब से आज तक झटोली के लोगों को पानी की कमी का सामना कभी नहीं करना पड़ा। भगवान शिव का आलोकित चमत्कारिक गुफा मंदिर टपकेश्वर महादेव का पौराणिक मान्यता है। अश्वत्थामा का जन्म इस स्थान पर हुआ था। माँ को दूध न होने के कारण उनकी माता ने घोर तप किया और तब भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वरदान के रूप में गुफा से दूध की धारा बहा दी थी। तब से ये दूध की धारा गुफा से शिवलिंग पर टपकती रहती है और कलयुग में इस दूध की धारा ने जल का रूप ले लिया। इसलिए यहाँ भगवान भोलेनाथ के आलोकित मंदिर को टपकेश्वर महादेव कहा जाता है और यही गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। ऐसे ही रहस्य जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।